इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड या मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग NaCl का बनना देखेंगे इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड के अनुसार, तो हम लोग देखते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। जब बॉन्डिंग देखेंगे दोनों का, तो सोडियम के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे अष्टक पूरा करने के लिए क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जरूरत है। नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम का 28 हो जाएगा और क्लोरीन का 288 हो जाएगा। इस प्रकार का बंधन इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि यह हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड बनता है।